सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप असिस्टिव टच बटन जो है आईफोन में अपने इनेबल कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे की ओर आपको एक जनरल की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर जाने के बाद आपको चले जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको असिस्टिव टच बटन नाम की एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, असिस्टिव टच अकेला। आपको बस जाकर सिंपली उसे एक्टिवेट कर लेना है, उसे टर्न ऑन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका असिस्टिव टच बटन जो है यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कस्टमाइज होता है ये, इसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके जो भी फंक्शनैलिटी है उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे सिंगल टैप पे ओपन मेन्यू, ये जो मेन्यू है ये ओपन हो जाता है सिंगल टैप पे, आप इसे चेंज कर सकते हैं। वैसे इसे यही रखें तो ही बेहतर है। तो डबल टैप पे स्क्रीनशॉट, ये मैंने खुद ने लगाया हुआ है, और लॉन्ग प्रेस पे लॉक स्क्रीन, यहाँ पर नन होगा बट मैंने लॉन्ग प्रेस पे जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ किया हुआ है अपने खुद के अकॉर्डिंग। और तो और आप इसकी ओपेक्सिटी जो है उसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि अगर आप 100% इसे ओपेक रखना चाहते हैं, या ये देखिए बिल्कुल ही कम। इसकी नियर अबाउट मैं 40 ही रखता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट रहती है, आइडियल ओपेक्सिटी है इसकी। तो और इसमें आप जेस्चर्स जो हैं उन्हें भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जो मेन्यू है ये देखिए, ये मेन्यू को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बस इस पर टच करके जिस भी फंक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है असिस्टिव टच बटन का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने आईफोन में। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू, दैट्स ऑल।